और मुरैना में आयोजित 3 दिवसीय कृषि मेला और प्रदर्शनी का केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुभारंभ किया है और मेले में कई स्टॉल पर अवलोकन भी किए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 103 अमृत सरोवरों का लोकार्पण किया है और संजीवनी केंद्रों का भी शिलान्यास किया है। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इन अमृत सरोवरों से सिंचाई का रकबा बढ़ेगा और चंबल की तस्वीर बदलेगी। उन्होंने कहा कि अब से मुरैना जिला चिकित्सालय कुंवर जाहर सिंह शर्मा चिकित्सालय के नाम से जाना जाएगा। कृषि मेला प्रदर्शनी का अवलोकन करने शनिवार को गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी आएंगे और इस 3 दिवसीय मेले में चंबल ग्वालियर अंचल के लगभग 35,000 किसान शामिल होंगे। किसानों को जानकारी देने के लिए हर दिन कई विषयों पर अलग अलग 12 सत्र और 4-4 सत्र सामूहिक आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें देश भर के कृषि विशेषज्ञ जानकारी और प्रेजेंटेशन देंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, जिला चिकित्सालय मुरैना का नाम बदलकर कुंवर जाहर सिंह शर्मा जिला चिकित्सालय। प्रधानमंत्री जी पूरे देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं, केवल परंपरागत खेती क्यों, ऐसी खेती जिससे हमको ज्यादा लाभ मिल सकता है, आधुनिक खेती, मशीनों से खेती, प्राकृतिक खेती। अब प्राकृतिक खेती का सत्र होने वाला है। मैं इतनी अपील करना चाहता हूँ आप सबसे, मैंने भी तय किया है कि मैं 5 एकड़ में पूरी में मत करना, लेकिन अगर 2.5 एकड़ 5 एकड़ जमीन है तो आधा एकड़ 1 एकड़ में जरूर प्राकृतिक खेती करके देखना। ये भी लाभकारी सौदा है किसान के लिए और धरती को बचाने का अभियान है। मैं खुद भी 5 एकड़ जमीन में इस बार प्राकृतिक खेती करूंगा, उसके बारे में विस्तार से। अब यह सत्र होने वाला है, आपको बताया जाएगा कि प्राकृतिक खेती हम कैसे कर सकते हैं।